थोड़े दिन पहले एससी मोर्चा जो है बीजेपी का उन्होंने मीटिंग की जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एससी एसटी के साथ वो हकूक मिले हैं जो इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे। हम उस बात को कंडेम करते हैं क्योंकि जो हकूक हमें ड्यूटी बढ़ने के बाद दबा 317 हटने के बाद जो हकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं और एट्रॉसिटी जो हैं अत्याचार जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी के बड़े हैं और उसकी जिंदा जो एग्जाम्पल है वो उधमपुर जो हमारा राहुल भगत जी जिसका मर्डर हुआ है वो जिंदा एग्जाम्पल है। हम चाहेंगे जल्द जल्द सिट कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कैपिटल पनिशमेंट चाहिए ऐसे आदमी को ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना को करे, क्योंकि ये दिन ब दिन जो मसले हैं अत्याचार के देश के अंदर तो पहले हो ही रहे थे, चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बच्चों के साथ बलात्कार की बात करें, ऊना के एग्जाम्पल दें जहाँ पर नंगे करके हाथ बांध के जिनको मारा गया, इस तरह की जो एट्रॉसिटी देश के अंदर हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये देश सबका है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, सभी को आदरमान मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। वरना हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके या कास्ट बेस्ड का जहर फैला के कभी देश को हम प्रोग्रेस नहीं कर, देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इतनी घटनाएं बढ़ी गई हैं, दिन दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो एलजी सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रावधान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होने चाहिए, जैसे 27 जो रिजर्वेशन ओबीसी की है जहाँ पर एक्सटेंड होने पूरे देश के अंदर जहाँ भी एक्सटेंड होनी चाहिए, जो एससी एसटी एट्रॉसिटी एक्ट है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। तो जो भी प्रावधान हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है और मोर ओवर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके वो भेजा यूटी के अंदर, लेकिन यूटी बनने के बाद भी वो लागू नहीं हो सका है। 1 मार्च 2019 का पास हुआ है लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर रोकथाम लगनी चाहिए और ये जो झूठे क्लेम करते हैं हमने ये कर दिया वो जितनी भी एट्रॉसिटी हैं पूरे देश के अंदर बड़ी हैं ना कि पिछले 6 साल से बड़ी हैं ना कि कम हुई हैं। हम चाहेंगे कि किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। वरना मैं ये भी वार्न करना चाहूँगा कि जो अमेरिका के अंदर एक अश्वेत को जो कि पुलिस कस्टडी में मरा, पूरे यूरोप के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर जो हलचल हुई है वही हालचाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी नहीं देश के अंदर भी ना करनी पड़े, ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए। सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, खासकर औरतों को बच्चियों को सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं वो बलात्कार नहीं होने चाहिए, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत।